Subscribe to my channel and press the bell icon. Hello friends, how are you? आप लोग कैसे सब ठीक ठाक सब बढ़िया आपका तो सभी को उस पर प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूँ. लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैं कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए मैं लालकुआ गया था और लालकुआ मार्केट जो है दिल्ली का सबसे बड़ा काइट मार्केट है. काइट एंड माझा मार्केट लालकुआ ही है दिल्ली का. और मैं वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए गया था. तो फ्रेंड्स वहाँ पे मैंने जा करके एक बड़ा ही अजीब चीज़ देखा. वहाँ पे देखा कि हमारे जो बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं उनके वहाँ पे मैंने पतंगों के अंदर फ़ोटो देखा, लाइक शिल्पा शेट्टी, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार एंड आमिर खान. और इसके अलावा बड़े बड़े क्रिकेटर्स MS धोनी और आपका विराट कोहली, इन सब का मैंने वो देखा, फ़ोटो देखा, सचिन तेंदुलकर. तो मेरे को ना इवन मैंने नरेंद्र मोदी जी का भी फ़ोटो देखा, सोनिया गांधी का भी फ़ोटो देखा, वहाँ पे राहुल गांधी का भी फ़ोटो देखा. पतंगों के अंदर उन्होंने फ़ोटो बना रखी थी. मैंने एक दुकानदार से पूछा, भैया क्या इन लोगों को पतंग उड़ानी आती है जिनकी आपने फ़ोटो लगाई हुई है? और बहुत सारे दुकानों के अंदर ऐसे ही पतंगें थी, इसी तरह की पतंग थी. तो उन्होंने बोला, क्या पता भैया इनको उड़ानी आती है कि नहीं आती है. पर फ्रेंड्स मैंने आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ दो लोगों को ही पतंग उड़ाते हुए देखा है. एक सलमान खान को पतंग उड़ाते हुए देखा और अक्षय कुमार ने तो बनारस में जाकर के नाव के ऊपर चढ़ करके बोट के ऊपर खड़े होकर के पतंग उड़ाया था और वो वीडियो बड़ा सॉलिड था. इस वक्त गंगा के किनारे हम बैठे हैं, पतंग उड़ाया जा रहा है. मैंने अक्षय कुमार को तो पतंग उड़ाते हुए देखा है कि इसको पतंग उड़ानी बहुत अच्छी आती है लेकिन बाकियों को नहीं आती, लेकिन फिर भी उनकी फ़ोटो जो है पतंग के ऊपर है. तो मैंने दुकानदार से पूछा, भैया मेरी फ़ोटो नहीं आ सकती क्या पतंगों के ऊपर? दुकानदार बोलने लगा, भैया तुम पतंग खरीदने आए हो कि मजाक करने आए हो? मैंने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी भी कुछ फ़ोटो वोटो वाली पतंग आपके पास मिले तो मैं खरीदूँ. तो भैया तुम हो कौन? मैंने कहा, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा यूट्यूबर हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी भी फ़ोटो आ जाए. कहता, भैया चलो चलो टाइम मत ख़राब करो, अभी ऐसी दुकान में बहुत भीड़ है और अपनी फ़ोटो वाली पतंग आपको नहीं मिलेगी, आप जाओ कहीं और ढूंढो. तो मैंने 3-4 दुकानों में देखा फ्रेंड्स, तो सब दुकानों के अंदर जो है सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के ही फ़ोटो वाली पतंग थी. तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया उस दुकानदार के ऊपर, क्योंकि उसका जो बोलने का तरीका था ना बिल्कुल ही गलत था. फिर क्या हुआ, मैंने कहा कि फिर उसी दुकान पे वापस आया और मैंने बोला कि मैं अपनी फ़ोटो वाली पतंग ना आपको अगले साल ज़रूर दिखाऊंगा. फ्रेंड्स मैंने ना फिर क्या किया, मैंने अपनी फ़ोटो वाली पतंग बना ली और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं. ये देखो फ्रेंड्स, मैंने अपनी फ़ोटो वाली पतंग बना ली, कैसा लग रहा है? और एक ये देखो, ये वाली भी देखो, ये डिज़ाइन देखो कैसी है, काफ़ी सारी बना ली है फ्रेंड्स. और एक ये डिज़ाइन देखो कैसी है. तो चलो फ्रेंड्स एक पतंग उड़ा करके देखते हैं, बना तो दिया है, उड़ता कैसा है पता नहीं. तो एक पतंग को हम उड़ा करके देखते हैं, इसमें कन्ना उन्ना बांध दिया. तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट जो है हम एक पतंग उड़ाते हैं, इसमें से इन वाले पतंग को उड़ाते हैं, इसका कन्ना उन्ना सब बंधा हुआ है और इसको उड़ा करके देखते हैं. तो फ्रेंड्स अब हम इसको उड़ाने लग रहे हैं. बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर के पतंग कैसी लग रही है आप लोगों को. थोड़ा दूर ले जाऊँ, आसमान में एक पतंग खड़ी हुई है, इसको कहीं काट ना दे क्योंकि मैं तो भी सर्दी से उड़ा रहा हूँ और आज ही बनाई है मैंने. और आप लोगों को अगर ये पतंग अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा, तो इसको बनाना सिखा दूंगा. बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत बहुत आसान है, इतना आसान है कि आप सोचोगे कि इससे ज़्यादा आसान तो कुछ और हो ही नहीं सकता है. हवा थोड़ी सी कम लग रही है फ्रेंड्स, हवा कम है नहीं तो अब थोड़ी सी हवा आई है. इसको भी दूसरे कैमरे से बोलता हूँ कैमरामैन को बना करके दिखाने के लिए. फ्रेंड्स बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर के कि ये आपको कैसा लग रहा है पतंग, और अगर ये आपको अच्छा लगे तो फिर ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसको आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा और आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं पतंग पे. बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको पतंग नहीं उड़ानी आती, आपको तो पतंग बहुत अच्छी उड़ानी आती है, पर वो फेमस हैं इसलिए जो है दुनिया उनको सलाम करती है. आप अपनी फ़ोटो खुद लगाइए और पतंग उड़ाइए. और चलिए अब थोड़ा सा इसको खींच खाँच करके देखते हैं. वाओ क्या बात है, आगे एक ऑरेंज कलर की पतंग उड़ रही है. मैं कैमरामैन को बताऊंगा उसको, वो इसको काटने के चक्कर में लग रहा है क्योंकि ये सर्दी से उड़ रही है. हमारे मोहल्ले के बच्चे बड़े तेज हैं, वो बस इसी चक्कर में रहते हैं कि घोष अंकल की पतंग कब सर्दी से उड़ेगी तो कब काटेंगे. मांझे से काटना तो मुश्किल होता है. ओ
मैं इसको और भी दूर करता चला जा रहा हूँ, देखता हूँ दूर जा करके कैसा लगता है ये। हाँ मस्त, अभी 300 मीटर्स कर दिया फ्रेंड्स मैंने इसको, 200 मीटर से 300 मीटर तक ले गया हूँ, यानी अच्छा खासा रेंज पे पहुँच गया है। अब इसको मैं एक, अभी बिल्कुल ताज़ा है और थोड़ा सा जब फ्रेंड्स, इस पतंग का एक फ़ायदा क्या मालूम है, अगर आपकी पतंग कट गई ना, कट करके किसी को मिल गया तो आप जा करके उससे ला सकते हो, आप बोल सकते हो भैया मेरी पतंग वापस करो। चलिए गद्दा मारते हैं, ये बहुत बढ़िया गद्दा है और ये थोड़ा सा हल्का सा जो है एक तरफ है, लेकिन अभी बिल्कुल ताज़ा है, अभी आज ही बना है, अभी एक घंटा भी नहीं हुआ। फ्रेंड्स मैंने 10 पतंग बनाई है इस तरह की अलग अलग फोटो वाली, और आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो फिर मैं ज़रूर बना करके दिखाऊंगा। पता नहीं भीतर का फोटो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा, मैंने पतंग को एक जगह रोक दी है इसीलिए, और कैमरामैन को बोलूँगा जूम करके ज़रा दिखाने की कोशिश करें कि भीतर का हिस्सा क्या दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। थोड़ा सा नज़दीक करके भी दिखाने से शायद दिख जाएगा। ठीक है पतंग फ्रेंड्स, लड़ाने लायक बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है पतंग फ्रेंड्स, मैं बता दूं। चलिए चक्कर चेक करते हैं इसके, क्योंकि पतंग का जो है चक्कर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, तो डाउन करते हैं थोड़ा सा। ये राइट चक्कर बहुत बढ़िया है, स्पीड के साथ भी है और स्लो भी है। अब लेफ्ट चक्कर भी लेता हूँ, ये लेफ्ट चक्कर भी ओके है, बहुत बढ़िया है, और ये मैंने खींचना शुरू किया, खींच भी बहुत अच्छी है। अभी थोड़ी सी इसको जो है और आगे उधर क्लब काइट फाइटर्स लोग अपनी पतंग लड़ा रहे हैं, दूर बहुत दूर आसमान में पतंगें लड़ रही हैं क्लब काइट फाइटर्स की, लड़ते लड़ते हमारी छत को क्रॉस करके निकल गए, इसलिए थोड़ी सी पतंग को मैं नीचे कर लेता हूँ, नहीं तो इसी को ही वो काट करके चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब इसको उतारें, फ्रेंड्स इसको अब मैं पूरा उतार लूंगा, और देखिए सोमेन घोष दिख रहा है कि नहीं उसके अंदर, सोमेन घोष है कहीं कि खो गए सोमेन घोष। बताइए पतंग के साथ साथ सोमेन घोष भी उड़ रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बताना ये तीनों डिजाइन में से कौन सा अच्छा है, और एक तो ये वाली डिज़ाइन है, मैं बिल्कुल पास ला करके दिखाऊंगा आपको, ये देखिए इसमें पूंछ जो है हमने सिल्वर कलर की लगाई है, और इस वाले में जो पूंछ लगाई है इसमें झालरदार पूंछ लगाई है, यानी गुच्छादार पूंछ लगाया है, इसके फ़ोटो ये लगाया है, और इस वाले में जो पूंछ लगाया है आप बैठ करके बनाइए इसको, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें इसको भी हमने उड़ाया था, और इसमें गोल्डन कलर की पूंछ लगाई है। तीनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप बताइएगा। अच्छा तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूंगा, मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल का नाम है सोमेन घोष, और इस पतंग को आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए, और इसको मैं बना करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बाएं हाथ का खेल है, दाहिने हाथ को भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इतना आसान है ये, और उड़ने में भी काफ़ी मस्त है। अभी हमने उड़ा करके आपको दिखाया अभी, और काफ़ी सारी डिज़ाइंस मैंने बनाई है, और आप अपना सेल्फी